अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता गुले लाला, उर्दू का गुलदस्ता गुले लाला जो कि जमात पंजुम के लिए है, इसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रुतवाओं, जो कि सफ़ा नंबर 42 और 43 पर है। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 42 और 43 पे। रुतवाओं जो कि एक डॉक्टर रुतवाओं एक करेक्टर है, एक बहुत ही हमदर्द किस्म की लेडी का जिक्र है इसके अंदर। ये रुतवाओं एक बहुत ही अजीम औरत का नाम है जो कि 9 सितंबर सन 1929 को जर्मनी के शहर लैप्सिक में पैदा हुई। जर्मनी में पैदा हुई है वो, और वो उनके दिल में शुरू से ही हमदर्दी थी किसके लिए, इंसानियत के लिए। और ये मिसालें बड़ी कम मिलती हैं। एक मिसाल मदर टेरेसा की आप लोगों ने सुना होगा, मदर टेरेसा जो गरीबों के लिए बहुत काम करती थी, स्पेशली उन्होंने भारत के मरीजों के लिए, भारत में जो मरीज थे और नादार लोग थे उनके लिए बहुत काम किया। इसी तरीके से रुतवाओं ने पाकिस्तान में जज़्ज़ाम का एक मर्ज़ है, बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिस मरीज़ को होता है लोग उसके बाद उठना बैठना छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, और वो दिन में यानी कि दिन में उसको दिन भर उसको ना पूछा जाता है ना रात में उसकी खबर ली जाती है, और वो मरीज़ टूट टूट के अंदर से कि मुझे ऐसा मर्ज है कि लोग मुझसे नफरत और घिन खाने लग गए हैं, वो इसी तरह टूट टूट के एक दिन अकेला मर जाता है। तो जज़्ज़ाम के मरीजों के लिए मसीहा बन के आई रुतवाओं, डॉक्टर रुतवाओं। उन्होंने फलाही काम किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने फलाही काम किए, तंजीम बनाई एक फलाही। उसके बाद उन्होंने वो कराची में रुकी और वहाँ पे उन्होंने इसके इंतज़ाम के मरीज़ों की एक बस्ती, यानी कि जिनको अलग कर दिया जाता था ना, अभी भी खैर लोग उनसे गिन तो बहुत खाते हैं लेकिन अब इलाज बहुत अच्छे अच्छे आ गए इन्हीं की वजह से, इन्हीं डॉक्टर रुतवाओं की वजह से। तो अब उनको ये है कि उनका इलाज होता है तो लोग उनसे सारा गिन नहीं खाते, उन्हें घरों में भी रखा जाता है। तो वो एक बस्ती में गई जिसका जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जज़्ज़ाम के मरीज रहते थे, उनको बहुत शदीद तकलीफ हुई उनको इस हाल में देख के। फिर उन्होंने उनके लिए अलग से उनकी मरहम पट्टी की, फिर उसके लिए उन्होंने देखभाल जब खुद शुरू की तो उनकी देखा देखी में कि इनके अंदर इतनी हमदर्दी, घिन भी नहीं खा रही, और सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो लोग इनकी टीम बड़ी होना शुरू हो गई, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह एक लाख तादाद लोगों ने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर जुज़ाम के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया, पहले छोटे छोटे क्लिनिक बनाए फिर हॉस्पिटल बनाए। अब उनमें से तकरीबन 60,000 मरीजों का इलाज हो चुका है, और कितने अभी तक जी कितनों का इलाज अभी तक भी हो रहा है। अच्छा, अब जो डॉक्टर रुतवाओं हैं इनकी अपनी भी ज़िंदगी थी, वो जर्मन में पैदा हुई हैं, उन जर्मनी में पैदा हुई हैं, 4 उनकी बहनें थी, एक उनका भाई था, भाई का इंतकाल बचपन में हो गया था। उन्होंने अपना मुल्क अपना ख़ानदान दोस्त अहबाब छोड़कर बिल्कुल गैर लोगों में आकर रहना शुरू कर दिया और उनकी खदमत करना शुरू कर दी, जो कि आसान काम नहीं है। अपनों को उन्होंने छोड़ दिया किसके लिए, खदमत इंसानियत के लिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की बेलोस खदमत में गुजार कर 10 अगस्त सन 2017 को वफात पाई। उनकी खदमात की इतनी लंबी फहरिस्त है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इलारे इम्तियाज़, इलारे पाकिस्तान, निशान कायद आज़म, सितारे कायद आज़म के एजाजात दिए गए। उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिल के भी बहुत ज़्यादा काम किया। वो तीसरी बड़ी शख्सियत हैं जिनको अब्दुल सत्तार ईदी के साथ जैसे उनको एज़ाज़ मिले थे, बहुत बड़े बड़े हिलाले इम्तियाज़, हिलाले पाकिस्तान, इस तरह के बड़े बड़े मिले थे, निशानात मिले थे। तो उनमें से एक ये डॉक्टर रुतवाओं भी हैं जो कि तीसरे नंबर पे आती हैं, उनको भी सारे एजाजात मिले गए थे। ये डॉक्टर रुतवाओं जो हैं उन्होंने अपना सब कुछ, अपना वतन, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इंसानियत की खातिर। तो इंसानियत की खदमत की खातिर उन्होंने अपना आप वक्फ कर दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं, वो अगर दुनिया से चले भी जाएँ तो उनका नाम अब जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो डॉक्टर रुतवाओं हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। डॉक्टर जैसे ये अब्दुल सत्तार ईदी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे, इस तरीके से ये भी डॉक्टर रुतवाओं
भाव भी हमारे दिलों में ऐसे ही जिंदा रहेगी। इंसान के दिल में दूसरों का दर्द यानी दूसरों से मदद का जज्बा जब होता है तो उस इंसान की कदरों कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से उसका दर्जा फरिश्तों से बढ़कर है, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ अपने फराइज की अंजामदेही करते हैं जबकि इंसान अपने फराइज से बढ़कर काम कर सकता है और वो करता भी है।